नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों, ये जो लेमन आप देख रहे हैं, कहीं आपके लेमन के साथ तो ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए कितना हार्ड है और छोटा है, इसमें जो है काटने के बाद बिल्कुल मतलब आपके रस नहीं निकलता है। तो फिर दोस्तों बने रहिए, आज इसके ऊपर जो है पूरा जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, किस लिए ये ऐसे हो जाता है, क्या कारण है और इसके जो रेमेडीज़ है क्या करने से मतलब नहीं होगा। तो फिर इसके ऊपर जो है पूरा जानकारी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पॉट में लेमन ग्रो करते हैं तो फिर कहीं कभी कभी जो है ये लेमन इतना हार्ड होता है, छोटा होता है और इसमें रस भी नहीं होता है बिल्कुल। तो ऐसा स्थिति क्यों आता है, क्यों हो जाता है ऐसे? लेमन प्लांट जो है आप तो पॉट में ग्रो करने के लिए जो भी मतलब देखभाल करना है वो तो करते हैं, जो करना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपका लेमन के साथ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये इसका जो ये लेमन जो है, ये देखिए ये पॉट में आज मैं 4 साल से ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार जो है दोस्तों इस पूरे लेमन जो है ये बिल्कुल जो है इसका ग्रोथ नहीं हुआ। एक तो है छोटा छोटा बन गया, दूसरा जो है इतना हार्ड और बिल्कुल जो है इसके अंदर जूस नहीं है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है, एक तो जो है वाटरिंग, दूसरा जो कारण है फर्टिलाइजर। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइज़र कौन सा देने से और कौन सा फर्टिलाइज़र इसके लिए ज़रूरी है, ये इसका जो फ्रूट है ये ठीक से मतलब फ्रूटिंग करे और इसका फ्रूट भी अच्छी तरह मतलब जो कि नॉर्मल फ्रूट नॉर्मल जो कंडीशन होता है नरम और रस जो अंदर जो है रस होता है। तो चलिए जो नॉर्मल लेमन के लिए पहला जो है वो है वाटरिंग। दोस्तों इसको अगर इस समर के सीज़न में अगर पूरा जो है इसको वाटरिंग नहीं ठीक से नहीं करेंगे तो फिर इसका जो लेमन है ये हार्ड होता है, छोटा होता है और जो है इसके अंदर रस भी नहीं होता है। जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है मतलब ये जब फ्लावर के बाद जब ये लेमन छोटा लेमन से जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तब अगर इसको ठीक ठाक अगर वाटरिंग नहीं करते हैं हम तो फिर इसका जो रिज़ल्ट ऐसे ही होता है। तो दोस्तों इस बार जो है भीषण गर्मी के चलते ऐसा मतलब कहना इसका जो वाटरिंग है हो सकता है कि इसमें जो प्रॉपर जो है वाटरिंग नहीं हुआ होगा, पूरा जो है रूट्स तक इसका जो वाटर जो है नहीं पहुंचा होगा। तो इसलिए जो है ये वाटर बिना मतलब कहना ये ठीक से वाटरिंग के बिना ये जो लेमन है ऐसा बन गया है, क्योंकि एक तो भीषण गर्मी, दूसरा अगर वाटरिंग ठीक से नहीं होता है तो इसका जो ये फल का जो रस होता है वो पौधा जो है उसका कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए जो फल है फल में जो है रस नहीं होता है और फल जो फ्रूट है वो ठीक से उसका ग्रोथ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये वाटरिंग जो है बिल्कुल आपको जो समर सीज़न है जैसे इसका फ्लावरिंग के बाद जैसे इसका छोटा छोटा जो बेबी लेमन्स होता है तो उस टाइम से लेके पूरा मतलब जो है आपका वाटरिंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग मतलब बिल्कुल जो है नीचे तक मतलब जब आप वाटरिंग करते हैं तो फिर इसका जो ड्रेनेज होल्स है उसमें उससे मतलब कलर निकल जाना चाहिए, पूरा वाटरिंग ऐसे करना चाहिए। फिर ऊपर का सेल थोड़ा बहुत जैसे ही सूखता है तो फिर आप उसको वाटरिंग कीजिए। इसके मतलब जो है मॉइस्चर आपको हमेशा इसमें मेंटेन रखना चाहिए, मॉइस्चर बिना जो है ये जो लेमन है वो बिल्कुल ही आपका नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, फिर वो लेमन जो है छोटा होगा, थोड़ा जो है हार्ड होगा और उसमें जूस भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आप इसको जो है वाटरिंग ठीक ठाक कीजिए और इसको गुड़ाई करके जो है बीच बीच में इसको गुड़ाई कीजिए। तो दोस्तों वाटरिंग के जो है अगर आप ठीक ठाक नहीं करेंगे तो फिर आपका फल जो है ऐसा ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो कारण है वो है फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये जो साइट्रस फ्रूट होता है जो लेमन होता है इसके लिए जो नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन होता है इसके ग्रोथ के लिए, इसका फोलिएज मतलब जो है अच्छी तरह मतलब लाइट ग्रीन होता है और इसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। और दूसरा जो है फास्फोरस जो कि फूल और फल के लिए है,
तो ये दोनों का सही मात्रा अगर होगा तो फिर आपका लेमन जो है वो अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा, नॉर्मल कंडीशन रहेगा लेमन का, ऐसा मतलब छोटा हार्ड और मतलब बिना जूस वाला लेमन नहीं होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जो है छोटा छोटा लेमन है, इसके अंदर जूस भी नहीं है और बहुत ही टाइट लेमन है, मतलब हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो इसीलिए जो फर्टिलाइज़र जो है, आप जैसे ही मतलब विंटर ख़त्म होता है तो उस टाइम जो है आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, साथ में फॉस्फोरस भी आप इसको प्रोवाइड कीजिए। तो फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र होता है, जैसे बोन मिल है, सुपर फॉस्फेट है, SSP है, तो इसको जो है आप इसको प्रोवाइड कीजिए। तो जो नाइट्रोजन है आप दो से तीन मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट पॉट के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से आप उसको यूज़ कीजिए, और साथ में जैसे बोन मिल दो स्पून, जैसे दो टेबल स्पून वो भी प्लांट के हिसाब से और पॉट के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो जो है, एक तो वाटरिंग का कारण और दूसरा जो है फर्टिलाइजर। तो अगर ये दोनों आप सही रखेंगे, सही मतलब ना वाटरिंग करेंगे और फर्टिलाइजर भी आप देंगे, तो फिर आपका जो लेमन है ऐसा कंडीशन नहीं होगा। और साथ में जो है लेमन प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको ऐसे जगह पे प्लेस कीजिए ताकि जो धूप है कम से कम 6 से 7 घंटा, इवन 8 घंटा भी अगर इसको धूप मिल जाए तो फिर इसको ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा लेमन आपका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।